इंडिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडिया में पहले पांच जोन था आज के डेट में कितना जोन है चार जोन है तो पहले जोन वन से जोन फाइव था आज के डेट में जोन वन खत्म हो गया और जोन टू से जोन फाइव है सो so, जोन वन नहीं है तो कोई कहेगा कि सर जोन वन क्यों नहीं है जोन वन से फाइव था तो फिर से जोन वन से फोर करता जोन टू से जोन फाइव क्यों किया सो दैट इज वेरी सिंपल जोन वन और जोन टू को मर्ज करके जोन टू कर दिया गया तो है क्या कि बहुत सारा ड्रॉइंग्स वगैरह ऑलरेडी बना हुआ है सारा ड्रॉइंग्स वगैरह ऑलरेडी जो पुराने टाइम में बना था उसमें तो लिखा हुआ था कि ये स्ट्रक्चर जोन फाइव के लिए डिजाइंड है अब अगर जोन को चेंज कर देगा तो लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जो पहले जोन फाइव था अभी जोन क्या है ये है वो है तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए जोन टू को एज इट इज जोन थ्री एज इट इज जोन फोर एज इट इज जोन फाइव एज इट इज जोन वन जोन टू को मर्ज करके जोन टू हो गया तो जितना जोन वन था वो सब जोन टू हो गया रिमेनिंग एज इट इज क्लियर सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है तो इंडिया में आज के डेट में कितना जोन है फोर ज़ोन्स सो इंडिया में आज के डेट में आपका फोर जोन ठीक है नाउ आई एस वन एट नाइन थ्री डील्स विद IS 1893 में क्या दिया हुआ है सो so, IS 1893 में हर एक स्ट्रक्चर पे अर्थक्वेक फोर्स कितना होना चाहिए ये दिया हुआ है हर एक स्ट्रक्चर पे चाहे वो ब्रिज हो बिल्डिंग हो रिफाइनरी हो कुछ भी सब पे अर्थक्वेक के कारण कितना फोर्स होना चाहिए ये दिया हुआ है एट द सेम टाइम ओनली बिल्डिंग के एनालिसिस का मेथड दिया हुआ है ब्रिज के एनालिसिस का मेथड नहीं दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा फोर्स निकालना सब पे दिया हुआ है लेकिन एनालिसिस कैसे करते हैं यह केवल बिल्डिंग्स का दिया है ब्रिजेस वगैरह का नहीं दिया है समझ में आया सो ओनली बिल्डिंग का दिया हुआ तो सिस्मिक लोड ऑन वेरियस स्ट्रक्चर मतलब हरे के स्ट्रक्चर पे अर्थक्वेक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स ओनली तो ए एंड बी आया समझ में क्लियर हुआ देन डिजाइन बेसिक अर्थक्वेक डिजाइन बेसिक अर्थक्वेक मतलब कितना अर्थक्वेक फोर्स के लिए हर स्ट्रक्चर को डिजाइन करना चाहिए और किस अर्थक्वेक को वो मिनिमम अर्थक्वेक मानेंगे कि जिसके लिए हर स्ट्रक्चर को डिजाइन करना चाहिए सो दैट इज वेरी सिंपल कोई भी स्ट्रक्चर का लाइफ अलग अलग होता है तो वो पूरे लाइफ में जो सबसे मैक्सिमम अर्थक्वेक एक्सपीरियंस कर सकता है और वो गारंटी है कि वो एक्सपीरियंस करेगा उसी के लिए हम लोग उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं आया समझ में क्लियर तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि अगर 50 इयर्स के लिए कोई स्ट्रक्चर है तो 50 इयर्स में कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक गारंटी है कि आएगा तो उस अर्थक्वेक को उसके लिए डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक मानते हैं तो इसका आंसर क्या होगा सी अर्थक्वेक दैट अकर्ड एट लीस्ट वंस इन लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर नॉट लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर आया समझ में क्लियर, सो इसका आंसर होगा डी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस फैक्टर इंपॉर्टेंस फैक्टर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ज्यादा फैक्टर के लिए डिजाइन करते हैं और लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को कम फैक्टर के लिए डिजाइन करते हैं तो जो जितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उसका फैक्टर उतना ज्यादा जैसे इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तो उसका फैक्टर क्या होगा हाइयर होगा इंडिया में पार्लियामेंट बन रहा है नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो वो सबका फैक्टर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा आया समझ में क्लियर सो इंपॉर्टेंस फैक्टर डिपेंड्स ऑन जोन फैक्टर हाइट ऑफ बिल्डिंग साइज ऑफ बिल्डिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ या फंक्शनल यूज ऑफ बिल्डिंग्स फंक्शनल यूज की मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है अगर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो उसका इंपॉर्टेंस फैक्टर ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है इंपॉर्टेंस फैक्टर कम अगर ओनली ग्राउंड फ्लोर एक छोटा सा घर बना हुआ है अर्थ में टूट भी गया क्या अंतर पड़ता है लेकिन एक हंड्रेड स्टोरी का बिल्डिंग है अगर अर्थकोक में टूटेगा कितने लोग मरेंगे उसमें समझ में आया उस बिल्डिंग में रहने वाले तो मरेंगे ही अगल बगल के लोग भी मर जाएंगे इज इट क्लियर सो दैट्स वाई फंक्शनल यूज ऑफ बिल्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक एट ए प्लेस इज मेजर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का कैसे मेजर करते हैं सो so मैग्नीट्यूड हम लोग रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है तो दो चीज होता है एक मैग्नीट्यूड होता है और एक इंटेंसिटी होता है याद रखिएगा मैग्नीट्यूड अलग चीज़ है और इंटेंसिटी अलग चीज़ है इसके बारे में डिटेल में गूगल पे भी पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ठीक है मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक इफेक्ट कंसीडर्ड बाय आईएस 1893 इज ठीक है सो आईएस 1893 एक मैक्सिमम अर्थक्वेक के क्रोस्पॉन्डिंग अपना कोड को डिजाइन किया है कि उससे ज्यादा अर्थक्वेक इंडिया में एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड का सबसे सीवियर अर्थक्वेक इंडिया में आएगा ऐसा नहीं है ठीक है इंडिया इतना भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं है इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होने का रीज़न ही यही सब है अर्थ को एक प्रोन नहीं है यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा साइक्लोन नहीं आता है यहाँ बहुत ठंड बहुत गर्मी भी नहीं पड़ता है इसलिए इंडिया में इतना लोग आके रहते हैं समझ में आया सो इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू लिव अदर यूरोपियन कंट्री ठीक है बहुत सुंदर है ये है वहाँ बर्फ पड़ता है पूरा रोड जैम हो जाता है ठीक है साइक्लोन आता है अमेरिका में पूरा उड़ जाता है घर का घर उड़ जाता है ठीक है पूरा घर ही उड़ जाता है ऐसा होता है इंडिया में होता 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 है 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 कभी कभी होता है, तो होता है। वहाँ पे फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ स्नोफॉल पूरा रोड जैम हो जाएगा दो दिन तीन दिन तक जैम रहेगा ऐसा हो जाता है क्लियर तो ये सब वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है तो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ बहुत अच्छा है अर्थक्वेक प्रोन भी नहीं है देखिए सो so, इंडिया में जो सबसे सीवियर अर्थक्वेक आएगा वो पूरे वर्ल्ड का सबसे सीवियर अर्थक्वेक नहीं होगा क्लियर तो जो अर्थक्वेक को इंडिया का कोड एडॉप्ट किया है उसको क्या कहेंगे मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक इफेक्ट कंसीडर्ड बाय आई एस फोर फिफ्टी सिक्स इज मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक समझ में आया मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक उसको बोलता है Now, the figure shows the plan view of a single-story masonry shear wall building with a rigid, rigid roof diaphragm. Roof diaphragm. The terrace of location of the center of mass and the center of stiffness are shown. ठीक center of mass है और center of stiffness hai. आप कहिएगा सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब और सेंटर ऑफ स्टिफनेस का क्या मतलब तो देखिए सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि बिल्डिंग में जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सी जी कहां पे है उसका सीजी कहाँ पे है का जो वेट है उसका सीजी दैट इज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ स्टिफनेस का मतलब होता है कि सारे कॉलम वेरा का जो एरिया होता है कॉलम का एरिया उसका सीजी कहां पर दैट इज सेंटर ऑफ स्टिफनेस जब बिल्डिंग पे लोड लगेगा तो बिल्डिंग जब ट्विस्ट अगर करेगा मान लीजिए इंक्लाइन लोड वगैरह लगाए तो बिल्डिंग ट्विस्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्विस्ट करेगा या सेंटर ऑफ स्टिफनेस के अबाउट अबाउट सो दैट विल ऑलवेज ट्विस्ट सेंटर ऑफ स्टिफनेस नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास वो कॉलम के सीजी के अबाउट बिल्डिंग ट्विस्ट करता है ठीक है तो ये सेंटर ऑफ मास है ये सेंटर ऑफ स्टिफनेस है अगर आप यहां से लोड लगाइएगा तो ये बिल्डिंग घूमेगा सेंटर ऑफ स्टिफनेस तो किस डायरेक्शन में घूमेगा क्लॉक वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ठीक है हाई राइज बिल्डिंग जब डिजाइन होती है ना तो इस पे डिजाइन होता है बुर्ज खलीफा बाहर से देखने में लगता है एकदम सिमेट्रिक ठीक है अंदर भी वो सिमेट्रिक हो कोई जरूरी नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ स्टिफनेस हो सकता है एकदम सेंटर पे ना हो थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो जब विंड लोड आएगा तो विंड लोड तो उसके सीजी से पास करेगा क्योंकि बाहर से वो सिमेट्रिक है ठीक है बाहर से वो सिमेट्रिक है लेकिन सेंटर ऑफ कहीं और है है, तो पूरा बुर्ज खलीफ़ा ऐसे ट्विस्ट करता है। समझ में? और अगर उसका इंटरनल भी सीजी से पास कर रहा होगा तो ट्विस्टिंग होगा ही नहीं आया समझ में क्लियर सो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ स्टिफनेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर टॉल बिल्डिंग वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या करना होगा तो अच्छा है मिनिमाइजिंग ग्रेविटी लोड ठीक है वैसे यह क्वेश्चन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है यहां कह रहा है स्टेबिलिटी तो अगर ग्रेविटी लोड कम होगा और अर्थ को एक फोर्स ज्यादा होगा तो सोचिए किसी चीज का अपना वेट कम है और अर्थ को एक फोर्स ज्यादा है तो उलटने का चांस ज्यादा हो जाता है ना क्लियर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया है 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 लेकिन ठीक अब एग्जाम में आया है, तो आपको तो सॉल्व करना ही है सो फोर्स मास पे डिपेंड करता है जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अर्थक्वेक फोर्स तो बिल्डिंग का अगर वेट हम लोग कम करेंगे तो उस पर फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सो मिनिमाइजिंग ग्रेविटी लोड ठीक है

इड बिल्डिंग सब में अच्छा होता है जितना शेयर वॉल दीजिएगा उसका लेटरल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है तो ये भी सही है प्रोवाइडिंग बेसमेंट बेसमेंट दिया हुआ होता है तो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलता है इज इट क्लियर इसमें नहीं दिया है वन थ्री फोर सो फाइव को इसमें कंसीडर नहीं किया है वैसे ये भी आ जाता है तो बेस्ट ऑप्शन आपको क्या टिक करना है वन थ्री एंड फोर वन थ्री एंड आपको बेस्ट ऑप्शन टिक करना है बेसमेंट से स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी तो बनता है क्लियर बट इसमें वो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिया है तो आप इसको neglect कर सकते हैं तो एंड फोर इज द बेस्ट ऑप्शन नाउ फॉर्मूला फॉर डिजाइन सिस्मिक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं क्लियर तो कितना horizontal force हम उसके लिए horizontal seismic coefficient कितना होता है जेड बाई टू आई बाई आर एस ए बाई जी सो सी इज द करेक्टर सो सी आपका करेक्टर फॉर्मूलाट कोड इज सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रस हेलिकली रेनफोस्ट कॉन्क्रीट कॉलम आर वेरी मच सुटेबल फॉर अर्थ को एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर सो हेलिकली रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम इज सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल ये सही स्टेटमेंट है हेलिकली जब होता है तो उसका कंक्रीट अंदर का जो होता है दैट विल बी सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल कंप्रेशन ठीक है उसमें ट्राई एक्सियल कंप्रेशन आता है लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से तो ये स्टेटमेंट अलग सही है और ये स्टेटमेंट अलग सही है ये करेक्ट एक्सप्लानेशन नहीं है सो दैट्स वाई बोथ एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लान मैक्सिम परसेंट ऑफ मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड इन आरसी भीम ये आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा सी की मैक्सिमम रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है दैट इज सी ये सिंपली याद रखिए ठीक है इसको याद रखिएगा अच्छा रहेगा ठीक है मैक्सिमम परसेंटेज क्लियर ये कोडल वैल्यू अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है और आप लोगों को अभी उतना रीडिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइज नहीं होगा तो ये डेटा याद रखिएगा कोड का डेटा है एग्जाम्स वगैरह में आता है तो आएगा तो थर्टी परसेंट देखिएगा टिक कर दीजिए इसको समझना है बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है देखिए एक शियर वॉल है

तो देखिए ये वॉल है ऐसे बेंड होगा अगर ऐसे विजुलाइज़ नहीं हो रहा है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को घुमा दीजिए तो ये कुछ ऐसा कैंटिलीवर हो जाएगा या नहीं इसको 90 डिग्री से घुमा दीजिए और ये इसका सेक्शन हो जाएगा होगा ना सो दिस इज टी और दिस इज एल ये जो एल है लेंथ और ये हाइट है तो ये टी और एल तो इसका सेक्शन मॉडल ये अब ऐसे बेंड होगा लोड ऐसे अप्लाई करेंगे तो ऐसे बेंड होगा तो सेक्शन मॉडल पुट कर दीजिए आंसर निकाल लीजिए टी एल अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स निकालिएगा एक बार में आंसर आ जाएगा आंसर हमको भी याद नहीं है ठीक है निकाल लीजिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है कुछ और विजुलाइज करना, करना था कि इसको आप कैंटीलिवर की तरह समझ सकते हैं अगर ये नहीं समझ में आ रहा और ये अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है देन दैट इज ऑलवेज बेस्ट एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इज लोकेटेड इन अर्थक्वेक जोन फाइव अर्थक्वेक जोन फाइव इन इंडिया द सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग इज टेन थाउजेंड न्यूटन देखिए इसमें आपको क्या निकालना है द बेस शियर ठीक है फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है ए एच इन टू डब्ल्यू और एच क्या होता है जेड बाई टू ए इक्वल टू जेड बाई टू आई बाई आर एस ए बाई जी क्लियर सो जेड आपका जेड अर्थ को एक्सोन कौन सा है

तो यहां से ए एच का वैल्यू निकल जाएगा उस ए एच के वैल्यू को टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कीजिएगा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका आंसर निकल जाएगा आया समझ में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम ठीक है अच्छा ये दूसरी बार प्रिंट हो गया नाउ ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आया ही ना हाँ आया एम सी ई वैल्यू एंड डी बी ई वैल्यू आर रिलेटेड एज एम सी ई क्या है मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक जो इंडिया में मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक है इज इट क्लियर और डी बी ई क्या है डिजाइन बेसिक अर्थक्वेक डिजाइन बेसिक अर्थक्वेक मतलब जिस अर्थक्वेक के लिए उसे हर स्ट्रक्चर को डिजाइन करना ही होता है तो उन दोनों में क्या रिलेशन होता है तो डिजाइन बेसिक अर्थक्वेक जो होता है ना वो मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक का हाफ डिजाइन बेसिक अर्थक्वेक मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक का हाफ हम लोग कंसीडर करते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एक टाइप का हम क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं वैसे हमें स्ट्रक्चर में वो क्वेश्चन ऑलरेडी बताए हुए हैं ठीक है वो अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये रिजिड है दो कॉलम पे ये एक बीम है और बीम बहुत रिजिड है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा वाइब्रेट करेगा सो so, इसका ओमेगा कितना होगा फ्रीक्वेंसी तो रूट अंडर के बाई एम होगा और यहां के का वैल्यू कितना हो जाएगा टू के क्योंकि ये कॉलम का के है ये कॉलम का के है सो दैट इज टू के डिवाइडेड बाई एम एम किसका इसका मास वेट वेट सो so, एम मास हो जाएगा सो so, रूट अंडर टू के बाई एम हो गया अब k का वैल्यू कितना है तो एग्जाम में क्या करता है इस कॉलम का प्रॉपर्टी दे देता है आई दे, दे देता है ई दे, दे देता है तो k का वैल्यू कितना लीजिएगा तो k का वैल्यू आपको लेना होता है अपॉन e क्या है इसका लेंथ है ट्वेल्व ई आई से इसका के निकालना पड़ता है और इससे ओमेगा निकालना पड़ता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हो हुआ क्लियर तो ये चीज याद रखिएगा तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होता है वो हम आपको बता देते हैं ऐसे क्लियर तो अगर एंड में स्लोप जीरो होता है तो ट्वेल्व ई आई अपॉन एल क्यूब होता है इसी में एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है वो हम आपको बता देते हैं अगर कुछ ऐसा है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे ऐसे तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप क्या बनेगा

तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ये सबसे पहले देखना जरूरी है कि उसमें एंड में स्लोप बन रहा है कि नहीं अगर स्लोप बनेगा तो थ्री वाला फॉर्मूला लगाना है स्लोप नहीं बनेगा तो आपको कितना वाला फार्मूला लगाना है ट्वेल्व वाला लगाना है सो so, ये ध्यान रखिएगा इस पर भी क्वेश्चन आते हैं ओके सो यहीं पर हम लोग इसको खत्म करते हैं आज के लेक्चर को अगर और कुछ लगेगा कि और क्वेश्चन बताना है इसमें तो इसी में एक प्लेलिस्ट में ही एक लेक्चर और ऐड करवा देंगे ओके okay, so कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का पूरा रिग्रस, मेरा पूरे वर्कबुक स्ट्रक्चर एनालिसिस का वर्कबुक अपडेटेड बन गया है सो so, अब नया वाले स्ट्रक्चर एनालिसिस का वर्कबुक का अब हम लोग करेक्शन करेंगे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम एक ये टू जेड जितना स्ट्रक्चर एनालिसिस का सारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आगे पीछे सारा कॉन्सेप्ट जो भी हो सकेगा जो भी बता सकेंगे बता देंगे उसी में सब कुछ डील करते जाएंगे ठीक है सो दैट हम स्टार्ट करेंगे आरसी का ठीक है तो आरसीसी का सारा क्वेश्चन बनवाएंगे जितना वर्क बुक का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बनवाएंगे ठीक है तो इस पे सारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस का उसपे सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा आरसीसी का तो ये दोनों साथ में कर लीजिए पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है दो सब्जेक्ट एकदम अच्छे से सारा क्वेश्चन बनवा देंगे पूरा जितना हो सकेगा उतना इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें कि उसके बाद आपका पूरा ये दोनों सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन बचता नहीं है ठीक है ओके सो मिलते हैं कल के क्लास में और आज हम बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे नहीं सीखे उस पर आज एक बहुत अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब पे हम डालें सर्च कर लीजिएगा ठीक है सॉफ्टवेयर्स फॉर सिविल इंजीनियर्स करके हम डालें हैं देख लीजिएगा बहुत अच्छा वीडियो है बहुत बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं पता नहीं क्यों शायद अच्छा बन गया है या फिर उनको लगता है कि यही कंटेंट हमको चाहिए था और शायद वही मिल गया उस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बच्चे उसको देख रहे हैं ठीक है व्यूज से हम लोग को पता चल जाता है ठीक है सो ओके देखना होगा देख लीजिएगा सो so, मिलते हैं कल